बाबा जी ने बताया कि यहाँ पर पानी का धारा है और तब हम भी यहाँ पर आए और अब हम इनके साथ ही जाएंगे क्योंकि हमारे भी डर लग रही थी यार घनघोर जंगल में, आज तक तो हम कभी आए नहीं यहाँ। जंगली जानवर तो होंगे यहाँ, फिर वो कोई किसी पे कोई अटैक अटैक तो नहीं करते? मतलब रोड चालू है, जा सकते, कोई डर नहीं? दिन को कभी भी आओ, 2 बजे रात आओ, 1 बजे आओ, अच्छा कोई मतलब नहीं है। तो ये है बाबा जी देघाट के और ये भी भिनसर जा रहे हैं, तो अभी हम थोड़ा पानी नहीं पियेंगे यहाँ पे दोस्तों और उसके बाद फिर हम जो है सीधा निकल जाएंगे यहाँ से। तो हमारे साथ हमारे इस बाबा जी हमको मिल गए और हमारा बहुत उत्साह बढ़ गया इनके आने से। रास्ता देख रहे हैं आप, पूरा घनघोर जंगल और चूने की आवाज़, कीड़ों मकोड़ों की आवाज़, वाह शांत वातावरण, अल्टीमेटम नज़ारा आप देख सकते हैं और पीछे का रास्ता आप देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों भिनसर जाने का रास्ता और सफ़र कर रहे हैं लोग और बस हम 3 हैं इस समय यहाँ पे। हम पहले अकेले आ रहे थे तो डर सब महसूस कर रहा था, तो हमने एक एक डंडा भी पकड़ रखा है, तो डर तो होती ही भैया सबको अपनी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं, बाबा जी बोल रहे हैं कि ये 24 घंटा रास्ता जो है खुला रहता है, इसमें कोई डर नहीं है, सब भोलेनाथ की कृपा है और इसमें लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, कोई ऐसी डर वाली बात नहीं है। जहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी करी वहाँ से ये 10 किलोमीटर का रास्ता हम तय कर रहे हैं, करीब 7 या 8 किलोमीटर हम यात्रा कर चुके हैं और 1-2 किलोमीटर का रास्ता भी और है। अभी ये जंगल ख़त्म होने के बाद एक छोटा जंगल एक और आएगा जिसमें देवदार के बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगे होंगे, तो उसको भी हमें पार करना है। तो चलते हैं अभी, फिर आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइज एक विश्राम स्थल पर और हम आ गए, वहाँ से भी कुछ दूरी पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं यहाँ का नज़ारा, क्या मस्त नज़ारा यहाँ का, वाह क्या शांति, क्या क्लाइमेट, व्यूज़ बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया यहाँ पर आके। आज आपको भिनसर का नज़ारा दिखाऊँगा। ये है हमारे बाबा जी। बाबा जी तो फिर यहाँ पे मशरूम कैसा होता है, जो बोलते हैं यहाँ पे मशरूम होते हैं यहाँ जंगलों में? मशरूम होते हैं पेड़ों पे, सूखे हुए पेड़ों पे। अच्छा वो खाने लायक होते हैं? वो भी वो खाने के होते हैं, बिकते हैं यहाँ बहुत, देखते हैं। अच्छा 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 करके सुखा सुखू करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फूल लेके होते हैं गोभी की तरह। अच्छा 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ भी मतलब कुदरत के नज़ारे, मतलब जड़ी बूटी काफ़ी यहाँ पे बहुत, यहाँ तो चीज़ें हैं जो इसीलिए यहाँ रोड नहीं आ पा रही है, जंगलात वाला मना कर रहा हूँ ना यहाँ पे आने के लिए। अच्छा 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 चलो ठीक है, तो चले बाबू जी, चले मनोज जी, चलो चलते हैं फिर, अपने आगे की यात्रा जारी रखते हैं। और बाबा जी बोल रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है अब, और थोड़ा सा है करीब 2 या 3 किलोमीटर और यहाँ से होगा, तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको नज़ारा आज भिनसर महादेव का। बाबा जी ये जो पेड़ है ये चंदन का जो बता रहे हैं इसको आप? अच्छा दिखाना, निकालना पड़ता है ना? अच्छा 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 इसको निकाला, हाँ फिर इसको भिगा भिगो करके सारा साफ हो जाएगा। अच्छा फिर एक जैसे हमारा अखबार या पेपर होते हैं उस टाइप का बन जाएगा। अच्छा। करके तब चंदन बनता है इसका।
पहले कागज जैसे बनाना पड़ता है क्या? पहले के नहीं, मंदिर में नहीं तो यही चंदन घिरते थे यहाँ, अब तब कोई नहीं घिरता, अब वैसे चंदन लगाते हैं। अच्छा, तो पहले यहाँ पे इसी पेड़ का चंदन लगाए थे? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो भाई मनोज भाई आ जाओ। तो बाबा जी ने बताया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कीमती पेड़ हैं जो भारत सरकार के अंडर में है, जंगलात के अंडर में है, इसीलिए यहाँ पे रोड नहीं आने दे रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे चौथी पड़ाव पर आ चुके हैं। उसको किसका यहाँ का नाम क्या है? छह चोरी एक जगह का नाम है, यहाँ पे बोलते हैं छह चोरी। छह चोरी का मतलब क्या होता है? छह चोरी हुई ना यहाँ पर, मतलब जितने भी मंदिर बनाने के लिए पत्थर वगैरह जो जा रहे थे ना। अच्छा, रात को मंदिर बना रहे थे ये लोग। अच्छा, यहाँ पर कुत्ता भोग गया था। ये यहाँ पर कुत्ता भोग गया था माने पांडव लोग, तब हो गया था यहाँ पर, तब से छोड़ दिया सब अपने अपने साइड में। ये पांडव लोग ने मंदिर, अच्छा मंदिर तो बनाया पांडव लोग ने बनाया यहाँ पे, पांडव से पहले बनाया। तो दोस्तों ये है यहाँ का नज़ारा, आप देख सकते हैं। काफ़ी चढ़ाई करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं और गला सूख जा रहा है बार बार, और बस घने बुरास के जंगल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आप यहाँ से नीचे को जो है बोल रहे हैं देवदार के पेड़ मिलेंगे, और इस समय यहाँ पर बुरास ही बुरास, आप देख सकते हैं नज़ारा क्या मस्त अल्टीमेट यार। कहते हैं कि इस जो नीचे जो पत्थर है इसके नीचे भालू रहता है, बाबा जी बोल रहे हैं। मैं थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा था तो उन्होंने बोला रुक जाओ, और वहाँ भालू रहता है वहाँ पे, तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इस जंगल में भालू रहता है वाकई में। दोस्तों ये देखो रास्ता यहाँ पर बंद हो चुका है। एक्चुअली में हुआ क्या कि यहाँ पर ना आग लगी पड़ी है जंगल में, तो पेड़ गिर गए, इसीलिए हमें जो है संभल के चलना पड़ रहा है। हवा चलती है तो पेड़ गिर जा रहे हैं रास्ते में, तो जैसे ये पेड़ गिरा है, ये अभी भी गिरा है थोड़ी देर पहले, और रास्ता हो गया बंद। हम तो इसके नीचे से घुस के आ गए। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जब भी इस रास्ते से आओ, पेड़ काफ़ी पुराने हैं और गिरने का भय होता है, और आपको देख चल के इस रास्ते में आना चाहिए। क्यों बाबा जी? मतलब देख के आना चाहिए फिर, क्योंकि कोई पता नहीं यहाँ पे, तो इसलिए सावधानी चलना चाहिए देख के। सिंगल आदमी कोई ऐसे ढंग से ना आए, सिंगल आदमी यहाँ पर बिल्कुल भी ना आए, और हो सके तो अपने साथ डबल आदमी होना चाहिए। हाँ बताएगा, सही बात है। तो ये वाली बात है इस रोड पे, और सन्नाटा है काफ़ी, और ख़तरा तो कुछ नहीं है, पर यह है कि सन्नाटा है, आदमी खुद ही डर जाएगा। हमको तो बाबा जी मिल गए रास्ते में, तो अब यहाँ से देवदार के पेड़ नज़र आ रहे हैं, तो शायद मंदिर आने वाला है। यहाँ से मंदिर अब स्टार्ट हो चुका है, बिनसर महादेव की जय। तो स्टार्टिंग का ये गेट हमको मिल गया है, बहुत ही प्राचीन गेट यहाँ पर, जो बिनसर महादेव की जय।